बहुत दिनों बाद कॉफ़ी बनाई है मैंने, पता नहीं कैसी बनी होगी। अच्छी है, बहुत अच्छी है। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो या सच में? अमान चांदनी, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा? इट्स रियली नाइस, रियली नाइस। अनु, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, वरना तो लगने लगा था कि सब मेरे दुश्मन बन गए हैं, सब नफरत करते हैं मुझसे। चांदनी, अब तुम भी कैसी बातें कर रही हो, छोड़ो ये बेकार की बातें, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं हम। अमन के बारे में। अनु, कॉफी ठंडी हो जाएगी। या जानती हो चांदी, मैं पहली बार अमन को कहाँ मिला था? कुआलालंपुर में, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बाहर वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तब मुझे हल्का सा भी आइडिया नहीं था कि वो एनीवेज, बट व्हाट पेशेंस दैट मैन हैज। मैंने तब भी उसे कहा था, बॉस तुम जिस किसी का भी इंतजार कर रहे हो वो लड़की बहुत खुशनसीब है, शी इज वेरी लक। जानी, आई मीन इट, तुम वाकई में बहुत खुशनसीब हो, अमन बहुत अच्छा लड़का है। अनु, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? जानी, मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि अमन, अनु, अनु, अमन का नाम मत लिया करो मेरे सामने, क्या उसे भूलने में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मैं और तुम सिर्फ अमन की ही बातें कर सकते हैं? तुम्हारे और मेरे बीच कुछ और रहा ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है चांदनी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। अपने बारे में कुछ कहो ना। कॉफी भी ठंडी हो गई है, मैं गर्म कर लेती हूँ।